महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों को लेकर उद्धव ठाकरे की सरकार सवालों के घेरे में है। मुंबई से लापरवाही की ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखने के बाद आप यही कहेंगे कि मरीजों का इलाज तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर जो भद्दा मजाक मरीजों के साथ किया जा रहा है, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं और महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार पर भी, लेकिन अभी सभी मौन है। अब हम आपको जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल का है। बीजेपी के विधायक नीतीश राणे ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो के जरिए बीजेपी के एमएलए ने दावा किया है कि मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में कोरोना संक्रमण के इलाज को लेकर जबरदस्त लापरवाही बरती जा रही है। विधायक की तरफ से वीडियो ट्वीट कर दावा किया गया है कि अस्पताल के वार्ड में बॉडी बैग्स यानी अमूमन जिसमें कोरोना से मृत व्यक्तियों को रखा जाता है, यूं ही रख दिया गया है। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि अस्पताल के वार्ड में कुछ मरीजों का इलाज चल रहा है, वहां कुछ स्वास्थ्य कर्मी भी नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच वहां कुछ बॉडी बैग्स रखे गए हैं। बीजेपी विधायक के इस वीडियो के ट्वीट के बाद हालांकि अभी तक केईएम अस्पताल की तरफ से वार्ड में रखे बॉडी बैग्स या इस वीडियो को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन वीडियो सामने आते ही शिवसेना तिलमिला जरूर गई है। शिवसेना नेता अनिल देसाई ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिल देसाई ने कहा कि किसी को बदनाम करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग अपनी पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी मुंबई के एक अस्पताल से एक वीडियो सामने आया था जहां मरीजों के शव के बगल में ही कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद मुंबई में अस्पतालों की लापरवाही जारी है और सीएम उद्धव ठाकरे कुर्सी पर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।